हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है रेल ट्रांसपोर्ट। इंडिया में रेलवेज को चलते हुए 166 इयर्स के से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो इंडिया में रेलवेज की शुरुआत हुई थी 1853 में इंडिया में रेलवेज की शुरुआत करी थी ब्रिटिशर्स में, और आज की डेट में भी इंडिया में जो रेलवेज है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। और अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में 7349 स्टेशंस है और टोटल जो रूट लेंथ है वो है 67368 किलोमीटर्स की, और 11,461 लोकोमोटिव्स हैं इंडिया के पास। लोकोमोटिव्स होते हैं जो ट्रेन्स को चलाते हैं, बेसिकली यू कैन से इंजन्स जो होते हैं। और 53,453 पैसेंजर ट्रेन्स है, 6,714 अदर कोचिंग व्हीकल्स है, और 277,987 वेगन्स है। वेगन्स होते हैं जो गुड्स को इधर उधर लेकर जाते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिफाइड की बात करें तो जो टोटल रूट किलोमीटर है उसमें से 35.32% जो रूट है वो इलेक्ट्रिफाइड है, और जो रनिंग ट्रैक किलोमीटर है उसमें से 47.09% इलेक्ट्रिफाइड है, और जो टोटल ट्रैक किलोमीटर है उसमें से 48.26% इलेक्ट्रिफाइड है। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है, जो कि एक ही मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहा है। इंडिया की जो फर्स्ट रेल थी वो शुरू हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चली थी। मुंबई में बोरी बुंदेर से थाने के बीच में चली थी और इसका जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया था वो था 34 किलोमीटर्स का। इंडियन रेलवे बोर्ड शुरू हुआ था मार्च 1905 में। डेक्कन क्वीन एक ट्रेन ही है, ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन, और ये इंट्रोड्यूस करी गई थी 1 जून 1930 को, जो कि पुणे से मुंबई के बीच में चलती थी। अभी रिसेंटली 2020 में इसका 90th बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया है डेक्कन क्वीन का। इंडियन रेलवे की जो मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का काम है वो कौन करता है, वो करता है रेलवे बोर्ड। इंडियन रेलवे नेटवर्क को 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और जो 70th जोन है वो है कोलकाता मेट्रो जोन, जो कि 29 दिसंबर 2010 को इस्टेब्लिश करी गई थी। फिर बात करते हैं मेजर रेल एंड रोड रूट्स थ्रू पासेस। अब पासेस क्या होते हैं, पासेस होते हैं जैसे कोई माउंटेन आ गई बीच में तो माउंटेन के बीच में से रास्ता निकाला जाता है, और जो बड़ी सारी माउंटेन के बीच में से या किसी हिल आ गई या कोई भी पहाड़ी है तो उसके बीच में जो रास्ता निकलता है उसको बोलते हैं पास। तो पास में से अब कौन कौन सी रेलवे क्रॉस करती है वो हम देखेंगे। फर्स्ट आती है थालघाट पास। थालघाट पास में से मुंबई नागपुर कोलकाता जाने वाली जो गाड़ी है, ट्रेन है, वो पास करती है थालघाट पास में से। भोरघाट पास में से क्रॉस करती है मुंबई थाने बेलगांव एंड चेन्नई वाला जो रेल रूट है वो भोरघाट में से पास करता है। पालघाट में से पास करता है कालिका थ्रीसुर कोयम्बटूर एंड इंदौर वाला जो रेल है वो पालघाट में से पास होकर जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं गेज की। गेज क्या होता है, गेज होता है स्पेस बिटवीन टू ट्रैक्स ऑफ रेल। अब जैसे ये रेल का ट्रैक होता है ना, इनके बीच वाली जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं गेज। अब ये तीन तरह के होते हैं गेज, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज और एक होता है नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज में ये वाला जो डिस्टेंस होता है दो ट्रैक के बीच में वो होता है 1.676 मीटर्स का। मीटर गेज में ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो होता है पूरा 1 मीटर का, और नैरो गेज में डिस्टेंस होता है 0.762 एंड 0.610 मीटर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेन 18 की। ट्रेन 18 इंडिया की फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन है। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड इंजनलेस ट्रेन है, मतलब कि ये इंडिया में ही बनी है, हमने कहीं से इसको इंपोर्ट नहीं करा। और इसकी जो फर्स्ट टेस्ट ड्राइव ली गई थी वो ली गई थी कोटा से सवाई माधोपुर स्टेशन के बीच में December 2, 2018 में, और उस टाइम पे जो इसकी स्पीड थी वो थी 180 किलोमीटर पर आर की। इंडियन रेलवे जो है वो 1950 में नेशनलाइज हो गया था। नेशनलाइज का मतलब होता है कि इंडियन रेलवे का जो पूरा का पूरा कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के अंदर चला गया था। जैसे कि बैंक्स 1969 में नेशनलाइज हुई थी, 14 मेजर बैंक्स, तो वैसे ही 1950 में इंडियन रेलवे भी नेशनलाइज हो गया था।
इंडिया में जो रेल लाइन्स है वो तीन तरह की हैं, हम अभी पढ़ी चुके हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। अब जो नेटवर्क है वो मल्टी गेज ऑपरेशंस पे चलता है और जो इसका रूट किलोमीटर है वो है 66,687। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम की। अब जो लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम है इसको अप्रूवल दिया था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, दोनों ने लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम को अप्रूवल दे दिया था। और ऐसा ही एक सिस्टम जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नासिक के लिए भी अप्रूवल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला है कि ऐसा ही एक सिस्टम नासिक में भी चलना चाहिए। अब दिल्ली में इसको मेट्रो नियो भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो दिल्ली में ऑलरेडी मेट्रो चल ही रही है, मेट्रो नेटवर्क तो है ही, जो मेट्रो नेटवर्क है उसकी एक फीडर सर्विस की तरह ये काम करेगा, जबकि ये नासिक में ये एक प्राइमरी मेट्रो प्रोजेक्ट है जो लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवा सर्विस ट्रेन्स की। जो सेवा सर्विस ट्रेन्स है वो इंडियन रेलवेज ने लॉन्च करी थी 9 सेवा सर्विस ट्रेन्स अक्टूबर 15, 2019 को टू कनेक्ट स्मॉलर टाउन्स अराउंड मेजर सिटी, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसमें छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए सेवा सर्विस ट्रेन्स शुरू करी गई थी। जो टोटल 9 सेवा सर्विस ट्रेन्स है वो 8 स्टेट्स में चलती है, उसमें से जो 4 ट्रेन्स है वो डेली बेसिस पे चलती है और बाकी की जो 5 ट्रेन्स है वो 6 डेज अ वीक चलती है, हफ्ते में 6 दिन चलती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।